हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। यहां पर हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को देख रहे थे जिसमें अभी तक आपने पढ़ा है रूट को। हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्टेम के बारे में, ठीक है। स्टेम के बारे में अभी तक बेसिक से फीचर्स की हमने बात की है कि जो स्टेम होते हैं उनके क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं। इसी के साथ हम बात कर रहे थे यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट यानी कि रूट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यानी कि स्टेम की कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हमारे पास आती है जिसमें हमने बात की है। सबसे पहले हमने भूमिगत तने का एग्जांपल यहाँ पर देखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एरियल के एग्जांपल आते हैं, वायव्य के एग्जांपल आते हैं, अर्धवायव्य के एग्जांपल जो हमने कहे थे। हमने कहा था कि अर्धवायव्य जैसे कि रनर होता है, शकर होता है, ये आपके पास क्या है, अर्धवायव्य के एग्जाम्पल आए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन देखी थी रूट की और उसी के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग फंक्शन भी देखे थे। ये तो बात हुई यहाँ पर स्टेम की। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो लीफ आता है। अभी तक आपने जब रूट और स्टेम के बारे में बात की तो हमने नॉर्मल सी चीजें जानी थी, यानी कि ये जो टॉपिक है ये आपके पास बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होते हैं। हम जब बात करेंगे लीफ के बारे में और हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लावर के बारे में तो यहाँ पर ये जो टॉपिक होते हैं ये आपके काफी वास्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है लीफ का स्ट्रक्चर, बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए जो कि हम बचपन से पढ़ते चले आते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर जो लीफ होती है, लीफ के अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं, एक्रोपेटल कहते हैं। एक्रोपेटल अरेंजमेंट में क्या होता है, यंग लीफ ऊपर होती है, मेच्योर लीफ नीचे होती है। इसी के अलावा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में, अलग अलग प्रकार की लीफ जो होती हैं, लीफ का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, लीफ के फंक्शन क्या होते हैं, ये भी आपको ध्यान देने का। कभी कभी बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लीफ के कार्य कौन से इनमें से नहीं है या कौन से हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लीफ की अगर हम डेफिनेशन कहें, आपने कहा लीफ इज अ ग्रीन डिसिमिलर एक्सोजेनस लेटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ व्हिच इज बॉर्न ऑन द नोड ऑफ द स्टेम और इट्स ब्रांचेस इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ये वाला जो पूरा सेंटेंस है क्लियर है। जो आपका लीफ होती है आपकी यानी कि जो प्लांट की लीफ होती है, ग्रीन पार्ट है, क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आप इसे देखते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। जो लीफ होती है वो कहाँ से निकलती है, आपने कहा कि जो स्टेम है स्टेम के नोड से यहाँ पे निकल सकती है। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं, आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा, लीफ बनती कैसे है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। आपने कहा ये है स्टेम, ठीक है, ये स्टेम है। स्टेम जब आपने कहा कि जो शूट स्टेम यानी कि पूरा पोर्शन शूट का होता है, आपने कहा शूट टिप जो होती है उसमें इस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। क्या है ये, बर्ड है। कौन सी बर्ड है, एपिकल। एपिकल बर्ड को और क्या कहते हैं, टर्मिनल। ठीक है, ये एपिकल बर्ड है। अब ये जो एपिकल बर्ड है ये एक्चुअली में होती क्या है, ये बहुत यंग लीफ होती है, बहुत छोटी छोटी लीफ होती हैं जो अभी इस प्रकार से क्लोज हैं। जैसे जैसे स्टेम ऊपर की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टेम ऊपर की ओर बढ़ेगा, आपने कहा यंग लीफ तो बनती चली जाएंगी, यंग लीफ बनती चली जाएंगी और यहाँ से ये यहाँ पे ये क्या है, जो लीफ है उन्हें पीछे छोड़ती चली जाएंगी। समझ रहे, आपने कहा कि यहाँ पर होता क्या है, जो आपका शूट है, शूट का जो टिप है जिसे आप क्या कहते हैं, शूट टिप कहते हैं, वहां पर क्या होती है, बर्ड होती है जिसे आप क्या कहते हैं, एपिकल बर्ड उसे हम कहते हैं, ठीक है। एपिकल बर्ड में जो बर्ड बनी होती है वो छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर के बनी होती है। जैसे जैसे बर्ड ऊपर, जैसे जैसे स्टेम ऊपर की ओर जाएगा तो आपने कहा ये जो बर्ड है ये जो पुरानी पत्तियां उन्हें पीछे की ओर छोड़ती चली जाएंगी और नई पत्तियां ऊपर की ओर आएंगी। जैसे कि यहाँ पर फिर से लीफ बनेंगी, ठीक है, फिर से ये जो स्टेम है ये ऊपर की ओर आया, यहाँ पर इस प्रकार से बर्ड हुई। अब आप देख रहे हैं कि जो पत्तियां पीछे की ओर छूट रही हैं और हमने क्या देखा, यंग लीफ ऊपर है, मेच्योर लीफ नीचे है, जिसे आप कहते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट आप कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लीफ को देख रहे हैं, लीफ का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं तो कौन कौन से बेसिक से स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर। अच्छा, बर्ड की अगर हम बात करें तो बर्ड हमारे पास दो प्रकार के आते हैं, एक तो आपके पास एपिकल या टर्मिनल बर्ड आ गई है, दूसरी बर्ड हमारे पास आती है एक्सिलरी बर्ड, दूसरी बर्ड हमारे पास आती है एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड कैसे आती है देखिए, एक तो हमारे पास ये स्टेम आया, दूसरा हमारे पास ये स्टेम है, यहाँ पर क्या है इस प्रकार से ये बर्ड है।
अब आपने कहा कि जो बर्ड है वो पीछे की ओर, जो कुछ बर्ड यहाँ पे कुछ यहाँ पर क्या छूटे होंगे, डिवाइडिंग सेल्स जो छूटे होंगे वो क्या बनाएंगे यहाँ पे, वो एक ब्रांच बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? ब्रांच बना लेते हैं। और ब्रांच के टिप पर भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? बर्ड मिलेगी। तो आपने कहा ये जो आपकी कहलाती है ये एक्सिलरी बर्ड कहलाएगी। ये क्या है? ब्रांच है। ये क्या है? ये है स्टेम यानी कि तना। ये क्या है? ब्रांच। ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्रांच में लीफ बन रही है वो इस जो आपके पास ये जो बर्ड आई है इस बर्ड से बनेगी। स्टेम में जो लीफ बन रही है वो इस बर्ड से आएंगे। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड होती है वो दो चीजें यहाँ पर बना सकती हैं। या तो वो यहाँ पर क्या बना रही है, फ्लावर को बनाएंगे, फूल को बना सकती हैं, या फिर वो यहाँ पर क्या बनाएंगे, ब्रांच को बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा कि यहाँ पर जो आपके पास बर्ड आती है वो दो प्रकार के आती है। टर्मिनल बर्ड कहिए या फिर आप इसे एपिकल बर्ड कहिए, ये एक प्रकार की बर्ड हो गई है। दूसरा हमारे पास आती है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, स्टेम से निकलते हैं, जो कि ब्रांच के फॉर्मेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होगी। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे लीफ का। ये जो पूरा लीफ का पोर्शन है ये तो आपने कहा ये तो क्या कहलाएगा, लैमिना। ये लीफ ब्लेड है प्रकार से। ठीक है, ये तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगी, मिडरिब होगी, जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये क्या है? मिडरिब है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होंगे, आपने कहा ये निकली होंगी वेन, शिराएं। ये क्या निकली होंगी? शिराएं। और इस प्रकार के पैटर्न अगर मैं कहूँ कि ये कौन सा पैटर्न होगा तो आप कहेंगे ये होगा पैटर्न कहिए या इसे कहिए वेनेशन। ये किस प्रकार का वेनेशन होगा? आपने कहा ये होगा रेटिकुलेटेड वेनेशन, जिसे आप क्या कहते हैं, जालिका अवध सिराविन्यास। ठीक है, अब बात आती है यहाँ की। आपने कहा ये जो पोर्शन है ये है स्टेम, और स्टेम से क्या लगी हुई है, पत्ती। लेकिन जो पत्ती है वो डायरेक्ट अटैच नहीं होती है, एक यहाँ पे ऑर्गन होता है, एक पार्ट होता है, उसकी मदद से होती है। वो कौन सा पार्ट है? वो ये वाला पोर्शन है, जिसे क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। अब पेटियोल के बारे में बात हो रही है तो पेटियोल के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, पेटियोल के फंक्शन क्या क्या होंगे, आपने कहा जो पेटियोल होता है सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि जो पत्ती है उसे तने से जोड़ता है। पहला फंक्शन हमारे पास आ गया है कि पत्ती को कहाँ से जोड़ेगा, तने से जोड़ करके रखता है। दूसरा फंक्शन होता है कि जब ये पत्ती को दूर लेके जाता है, तने से जब दूर लेके जाता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जितनी पत्ती दूर जाएंगी उतनी पत्ती को ज्यादा सरफेस मिलेगा, ज्यादा एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर जितना ज्यादा एरिया मिलेगा उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो आपने कहा जो पेटियोल है वो लीफ को स्टेम से दूर लेके जाता है। दूर लेने का क्या मतलब है, पेटियोल यहाँ पे और बड़ा हो जाएगा और पत्ती और ज्यादा क्या होगी, बाहर को निकलेगी। तो जिससे कि पत्ती का सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर ज्यादा होती है। दूसरा फंक्शन हो गया है। तीसरा फंक्शन आपने कहा कि जब यहाँ पर हवा चलती है तो यहाँ पर पेटियोल जितना बड़ा होगा, जो लीफ होगी लीफ उतनी ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, मूव करेगी। और जितनी ज्यादा पत्ती मूव करेगी उतनी ही ज्यादा यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का जो रेट होगा वो ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितना मूव होगा उतनी यहाँ पे क्या है, जो स्टोमेटा है वो ओपन होंगे। स्टोमेटा ओपन होंगे तो वहां पे क्या होगी, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी। तीन फंक्शन हम पढ़ते हैं पेटियोल के। यहाँ पर कौन कौन से हमने बात की है, हमने कहा पेटियोल का एक जो फंक्शन होगा वो होगा पत्ती को तने से जोड़ना, दूसरा फोटोसिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया क्या करना, बढ़ाना, तीसरा हमने क्या कहा, ट्रांसपिरेशन जो है ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करना, इंक्रीज करना या बढ़ाना। ठीक है, तीन फंक्शन हमारे पास किसके आते हैं, पेटियोल के आ जाते हैं। क्लियर है इतनी बातें?
इसी के बाद हमने क्या बोला, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आता है स्टिप्यूज, ठीक है। एक जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हमने क्या कहा यहाँ पे, स्टिप्यूज कहा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो लीफ है, लीफ में जो पेटियोल है, पेटियोल के फंक्शन आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। चलिए, क्लियर है इतनी बातें। तो अभी तक हमने जो जो चीजें समझी हैं उसमें हमने इतना समझा है कि जो लीफ होती है वो कहाँ से निकलती है, एपिकल बर्ड से निकलती है, ठीक है। एपिकल बर्ड, अगर हम बर्ड की बात करें तो दो प्रकार के हमने कही, हमने कहा एपिकल बर्ड होती है, दूसरी हमने कहा यहाँ पर कैसी होती है, एक्जिलरी बर्ड होती है। जो यहाँ पर एक्जिलरी बर्ड, जो टर्मिनल बर्ड आपकी होती है, टर्मिनल बर्ड आपके एपिकल बर्ड में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। या फिर मैंने क्या कहा, जो एक्जिलरी बर्ड है वो आपके एक्जिलरी बर्ड फिर एपिकल बर्ड में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे होगी, आपने कहा ये स्टेम है यहाँ पर, ये तो आपके पास क्या आई है, एपिकल बर्ड आई है। यहाँ पर आपके पास क्या आई है, ये एक्जिलरी बर्ड है, ठीक है। एक्जिलरी बर्ड से क्या बन सकती है, ब्रांच, यहाँ पर अगर बन गई, ब्रांच बन गई तो इसके टॉप में फिर से आपके पास एक बर्ड आएगी जिसे हम क्या कहेंगे, एपिकल बर्ड कहेंगे। इसे भी हम क्या कहेंगे, एपिकल बर्ड कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, टॉप में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो टर्मिनल बर्ड है वो एपिकल बर्ड में कन्वर्ट यहाँ पर हो सकती है। क्लियर है इतनी बातें। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि एपिकल बर्ड आप कब कहेंगे, टर्मिनल बर्ड आप कब कहेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमने बात की है यहाँ पर किसकी, पेटियोल के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हमने बोला लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब ये हुआ, ये स्टेम है, यहाँ पे सिंपल हम लीफ बना रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं, इसे कहते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट। ये लीफ है आपके पास जिसमें आप देखते हैं यंग लीफ ऊपर की ओर है और मेच्योर लीफ नीचे की ओर है, ठीक है। तो आपने कहा कि जो लीफ ओरिजिनेट होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से होती है, शूट जो हमने एपिकल बर्ड कही थी, ठीक है। तो एपिकल बर्ड में हमने क्या बोला, आपने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात की, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जाएगा, एपिकल बर्ड में पाया जाएगा। तो कहाँ से निकलती है, एपिकल बर्ड से निकलती है। एक और चीज कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पर एक्जिलरी बर्ड के बारे में बात करें तो एक्जिलरी बर्ड भी किससे फॉर्म हो रही है, किससे बन रही है, एपिकल बर्ड से ही बन रही है। कैसे बनी, हमने कहा एक टाइम ये था कि एपिकल बर्ड जो है वो यहाँ पर रही होगी इस प्रकार से, अब स्टेम जब बड़ा तो आपने कहा एपिकल बर्ड ऊपर की ओर बढ़ गई है, कुछ डिवाइडिंग सेल्स जो हैं, कुछ मेरिस्टमेटिक सेल्स यहाँ पर रह गई थी किसकी, एपिकल बर्ड की, और तब जाके यहाँ पर एक ब्रांच बनी। हमने यही तो कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, जो बर्ड आपके स्टेम में पाई जाएगी उससे क्या बनेगी, एक ब्रांच बन गई है। तो तब जाके यहाँ पे क्या बना, एक ब्रांच बनी, ठीक है। तो जो एक्जिलरी बर्ड आपके पास आई है वो भी एपिकल बर्ड से ही मिलकर के बनी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हुआ, शूट एपिकल मेरिस्टेम से हुआ। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ अ थ्री पार्ट्स, जो यहाँ पर मेच्योर लीफ कहिए, टिपिकल लीफ का मतलब होता है मेच्योर, ठीक है। उसमें तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लैमिना होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये पार्ट्स आप पढ़ चुके हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए नहीं है, हमने तीनों पार्ट के बारे में बात की है। लीफ इज अटैच्ड विद द स्टेम बाय अ लीफ बेस व्हिच मे बी बियर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूज। स्टिप्यूज क्या होते हैं, लीफ बेस जो होता है, जो लीफ बेस की हमने बात की है, लीफ बेस में कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, पत्ती जैसी संरचना होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, स्टिप्यूज कहते हैं। स्टिप्यूज कहाँ है, ये जो आपको दिखा रखे हैं स्टिप्यूज, यहाँ पर आपको लेबलिंग करके दिखा रखा है, ये आपका क्या है, स्टिप्यूज है। नेक्स्ट हमने बोला मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड मिड वेन। आप जानते हैं कि मिड वेन किसे कहते हैं, वेन प्रोवाइड अ रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड्स एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, ये बात हम जान चुके हैं, हम बात करते रहते हैं कि यहाँ पर वेनेशन अगर पाए जा रहे हैं तो वेनेशन में हमने कहा मिडरी पाए जा रही है, फिर वेन निकल रही है, शिराएं निकल रही है, तो एक्चुअली में इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनमें भी जाइलम पाया जाएगा, फ्लोएम पाया जाएगा, आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन का क्या करेंगे, ये काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला था अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। वेनेशन आप जानते हैं सिराओं का जो विन्यास होता है उसे आप शिरा विन्यास कहते हैं। एक बार सारे पॉइंट्स को पढ़िए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे वेनेशन। चलिए, अब हम बात करते हैं वेनेशन के बारे में, क्योंकि वेनेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। दो प्रकार के वेनेशन हमारे पास आते हैं,
रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन में हम क्या देखते हैं, जिसमें एक जाली जैसी बनी होती है, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले एग्जांपल देखा, हमने कहा ये अगर लीफ है तो इसमें क्या होगी, मिड रिब होगी, जो कि कैसी होती है, मोटी होती है, बाकी इसमें क्या निकली होंगी, शिराएं निकली होंगी इस प्रकार से। तो ये तो आपको क्या मिल गया है, जालिका व सिरा विन्यास देखने को मिला है। अगर हम पैरलर की बात करें तो हमने कहा पैरलर जो होती है वो ग्रासेस में आपको देखने को मिलती है, जो कि मोनोकॉट प्लांट होते हैं, उनमें जो शिराएं होती हैं वो पैरलर होती हैं एक दूसरे की। ठीक है, अब आपने अगर इमेज आपको पता है तो आपको समझने में क्या होगी, डिफिकल्टी नहीं होगी। आपने कहा वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क, आपने कहा जो वेन्स होती है, जो शिराएं होती है, एक नेटवर्क बना रही है, ठीक है, एक जाली जैसी बना रही है। यहाँ हमने क्या बोला, नेटवर्क इज एबसेंट, आपने कहा नेटवर्क नहीं है, सिर्फ पैरेलल लाइन चल रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे चल रही है, एक नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जाल। जाल का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर वेन है वो एक दूसरे से मिल रही होंगी, जैसे कि अगर हम पूरा नेटवर्क बनाए तो आपने कहा इस प्रकार से ये पूरा एक नेटवर्क बनता है इस प्रकार से, ठीक है, एक पूरा नेटवर्क है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, मिडरिप होगी, और मिडरिप के दोनों ओर एक अरेंजमेंट आपको देखने को यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा। नेक्स्ट हमने कहा वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो वेन्स होती है वो इरेगुलर है, इरेगुलर है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, पैरेलल होंगी यहाँ पर, अरेंजमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल डाइकोटिलेडॉन्स लाइक अ ग्राम, पी, बीन्स एंड मैंगो एक्सेट्रा। आपने कहा इस प्रकार का वेनेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जो डाइकॉट होते हैं जिससे ग्राम होता है, ठीक है, डाले होती हैं, जो पी यानी कि मटर होता है, बीन्स होती हैं, मैंगो ट्री होता है पीपल का, जो कि हम हर बार एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपने कहा इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉटिलेडॉन्स लाइक ग्रासेस, बनाना, राइस एक्सेट्रा। आपने कहा ये मोनोकॉटिलेडॉन में पाया जाता है, ठीक है, जिसे आप एक बीज पत्री भी कहते हैं। मोनोकॉटिलेडॉन का मतलब होता है एक बीज पत्री, डाइकॉटिलेडॉन का मतलब होता है द्विबीज पत्री। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है, जो घास होती है, जो बनाना देखा होगा आपने, केले के पत्ते अगर देखे हैं तो आप क्लियरली वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा राइस, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आते हैं, वेनेशन आते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, हमने पहले भी चीजें पढ़ी हुई हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती के प्रकार हमारे पास आते हैं। आपने कहा जो पत्ती के प्रकार आते हैं इनमें आता है कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ, यानी कि एक तो आपके पास सिंपल लीफ आ रही है, एक कंपाउंड आ रही है। कंपाउंड भी दो प्रकार की होती है, पाइनेटली होती है और एक होती है पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपके पास आ रखी हैं। आपने कहा अ लीफ हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना इज कॉल्ड अ सिंपल लीफ। आपने कहा से अ लीफ हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना, आपने कहा जो लैमिना है वो अगर डिवाइडेड नहीं है, सिंपल है, तो उसे आप सिंपल लीफ कहेंगे। जैसे लैमिना डिवाइडेड नहीं है यहां पर, ठीक है, द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो आपकी क्या हुई, सिंपल लीफ हुई, सिंपल लीफ के एग्जाम्पल आपको मिले हुए हैं। आपने कहा यहां पर ये जो है, यहां पर मिड रिब होगी, ठीक है, मिड रिब होगी, और आपने कहा ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड क्या है, मिडरिप को टच नहीं कर रहे हैं, सिंपल से आप देख रहे हैं मिडरिप को टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जो ब्लेड होती है वो मिडरिप को टच करती है। आपने कहा व्हेन द इंसिजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द मिडरिप एंड ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट, इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड लीफ। आपने कहा कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि जो ब्लेड होती है अब वो मिडरिप को क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला, इन पीनिएटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट इन अ कॉमन एक्सिस्ट कॉल्ड अ रैकेस, एग्जाम्पल नीम। और पामेटली में आपने क्या कहा, द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, एग्जाम्पल सिल्क कॉटन। ये आपके पास ये आते हैं लीफ के टाइप्स आते हैं। अब आपके लिए होमवर्क में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पोर्शन को देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले थ्योरी पोर्शन को देखा है, आप इसे सबसे पहले टाइप्स ऑफ लीफ नोट कीजिए, कौन कौन सी लीफ आपके पास आती हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, हर एक का क्या बनाना है, डायग्राम आपको देखना है कि जो कंपाउंड लीफ है वो किस प्रकार की होगी, जो सिंपल लीफ है वो किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो कंपाउंड लीफ के दो प्रकार आ जाते हैं, जिसे आप पीनिएटली कंपाउंड लीफ कहते हैं और पार्मेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। आपकी बुक में दिए गए हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ साथ इमेजेस भी दी गई हैं, क्योंकि जब आप बनाएंगे तब आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है इन लीफ में।
बहुत इजी है, सिंपल सा है। तो ये आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वहां पर हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ लीव देखेंगे, जिसमें हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। थोड़ा और चीजें यहाँ पर डिस्कस करें तो हमने कहा द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम्स और ब्रांच इज कॉल्ड अ फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं, आपने कहा, जैसे कि हमने कहा था कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का एक अरेंजमेंट हमने कैसे देखा था कि जो यंग लीफ ऊपर है और मेच्योर लीफ नीचे है, ठीक है, उससे हमने एक्रोपेटल कहा था। लेकिन अगर हम देखें कि जो स्टेम होता है, स्टेम पर पत्तियों का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, जो स्टेम पे अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर हम देखें, तो हमने कहा इसे हम कहते हैं फाइलोटैक्सी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड एज इन चाइना रोज। आपने कहा दो प्रकार की चीजें हम देखते हैं, ठीक है। मोस्टली जो हमें देखने को मिलती है, हमें दो प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ये स्टेम है, ये लीफ है, प्रकार से या तो आपको ये देखने को मिलता है, या फिर आपने कहा जो पत्ती है इस प्रकार से, या तो आपको ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है, या आपको ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसी चीज के बारे में आपको बताया गया है। क्या हमने बात की है, आपने कहा इन अल्टरनेट टाइप्स ऑफ फाइलोटॉक्सिस सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोट एज इन चाइना रोज। आपने कहा कि अगर सिंगल नोट से एक सिंगल लीफ निकल रही है, इसका एग्जाम्पल आपने क्या कहा, चाइना रोज आपने देखा। लेकिन आपने कहा इन अपोजिट टाइप्स ऑफ फाइलोटॉक्सिस अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोट अपोजिट टू ईच अदर इन गुआवा। जो गुआवा होता है, गुआवा आपने देखा होगा, गुआवा में आपने क्या देखा, इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, जो पत्तियां होती हैं वो दोनों अपोजिट साइड में निकलती है और एक ही नोड से निकल रही है, सिंगल नोड से निकल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग नोड से निकल रही है, ठीक है, क्लियर है। ये आपको अरेंजमेंट दिखा रखा है कैसा, आप फाइलोटैक्सी ही पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट आपने कहा इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म्स अ वॉल इज कॉल्ड वॉल टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी एज इन अल्स्टोनिया, ठीक है। आपने कहा कभी कभी क्या होता है, या तो हमने कहा एक नोड से एक ही तरफ पत्ती निकल रही है, या एक नोड से दोनों तरफ पत्ती निकल रही है, या एक नोड से जब बहुत सारी लीफ निकलने लगती है तो आप उसे कहते हैं वर्ल टाइप। वर्ल टाइप मतलब पूरे घेरे में निकल रही है। नेक्स्ट आपने कहा लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस लाइक कन्वर्टेड इनटू टेंडल्स फॉर क्लाइंबर्स एज इन टीज एंड स्पाइंस फॉर डिफेंस इन कैक्टस। अब आप कहेंगे टेंडल्स का नाम तो हमने स्टेम में पढ़ा था, तो ये लीफ में क्यों है, जो टेंडल्स होती है वो लीफ से भी बनती है, लीफ का मॉडिफिकेशन भी होती है, और कुछ में आप देखते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन भी होती है, जिसमें अलग अलग एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। हमने स्टार्ट कर लिया है लीफ के मॉडिफिकेशन को, ठीक है। लीफ के बेसिस से स्ट्रक्चर हमने देखे, होमवर्क में आपने क्या करना है, टाइप्स ऑफ लीफ में जो आपने देखा है उसके डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इन चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझेंगे किस प्रकार से ये चीजें होती हैं। तो जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप लोग क्या करेंगे, घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।